फिर से करो। अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं, अभी भी सिली मिस्टेक्स। मुझे लगता है मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। क्यों? जब तुम स्कूल में थी तब मैं भी रिपोर्ट कार्ड्स और मार्क्स ही देखती थी। स्कूल सीखने के लिए होता है, ये मैं कभी समझी नहीं। अपनी काबिलियत जानने के लिए वो किसी रिपोर्ट कार्ड की ओर नहीं, तुम्हारी ओर देखता है। तैयारी का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, हर तैयारी में आपके साथ बोनविटा। जॉब ऑफर्स तो कई आए थे, पर मैंने चुना सबसे चैलेंजिंग वाला। टीम छोटी है पर एफिशिएंट है। पे कैश में नहीं काइंड में होता है। हाँ, वैसे इस जॉब में काम कभी खत्म नहीं होता, कभी फ्रस्ट्रेटिंग, कभी थैंकलेस भी होता है। एक दिन की कैजुअल लीव का रिजल्ट तो आप जानते ही हो। फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस कर लेती हूँ। पर एक बात हम सबको मान लेनी चाहिए कि ये भी एक जॉब है। घर चलाना औरतों का कर्तव्य नहीं, जॉब मानना चाहिए। आसान नहीं है, ताकत लगती है, अंदर की ताकत। इस जॉब का कोई डेजिग्नेशन होता तो कैप्टन से बेहतर क्या। ऐसे हर कैप्टन को जो घर को बनाए मजबूत, कैप्टन TMT का सलाम। कैप्टन TMT, घर की ताकत। हर्ष, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, बस एक मिनट, अभी तो लौटा हूँ, खा लूंगा। तू घर लौट कर भी ना, कहीं और ही है। घर, मेरा अपना घर, ऐसी क्या बात है इस चार दीवारी वाले मकान में। ये यादों के सफर का हमसफर बन जाता है। इसे जब भी अपना कहो, ये मकान से घर बन जाता है। मौसिन ड्रम की बारिश में तो गजब का शोर है, पर खिड़कियों से टपकती बूंदों के साथ घर की चाय का मजा ही कुछ और है। दिल्ली की चाट जुबान में घुल तो जाती है, पर भूख तो इस घर की रसोई ही मिटाती है। बिस्तर भले ही एवरेस्ट के बेस कैंप में क्यों ना लगा हो, नींद तब तक नहीं आती जब तक इसकी जमीन से दीदार नहीं होता। हर सफर में लम्हों की तादाद हजारों में रहती है, पर कुछ यादें हैं जो बस घर की दीवारों पर रहती हैं। माना कि सफर के लिए सारा जहां है, पर जो सुकून इस चार दीवारी के आशियाने में है वो और कहां है। एशियन पेंट्स, महफूज रखे घर की यादों को, क्योंकि देयर इज नो प्लेस लाइक होम। A chance to restart. Experience the power of a hot shower with Rackold water heaters and be reborn every day. Yeah, Mr. Chang. It's 7 in the morning here. No, sir, I'll mail it to you by this afternoon. Stop.
सब दीदी आपके लिए छोड़कर गई है। यस सर। नो सर, द बजट इज ऑल्सो अप्रूव्ड। या या, वी गॉट द क्लियरेंस। राइट। हेलो, आई कॉल यू बैक। मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे। मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को कैसे पसंद किया। आपको याद है अपने मजाक मजाक में एक बार कह दिया था, मैडम मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा। उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी। ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी, पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सुनने का। हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया। शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था। उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय के कप रखती रही। आपको पता भी नहीं चलता था, लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी। दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है। मैं जा रही हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन के बीच वाली अलमारी में रखी हुई है, अब खुद ही बनाना सीख लो। और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। कैसे आना हुआ? तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी। वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला, धीमी आंच की धूप में सेको, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ। तुम तोड़ो मुरझाए रिश्तों की पत्ती, पानी डाल के खूब झिझोड़ो, सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो, जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो, हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो, बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ, झप्पी की गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ, झप्पी की गर्माहट से तुम रिश्तों को। एक कप और है मेरे हाथ की बनी। वाघ बकरी चाहे रिश्तों में गर्माहट लाए, हमेशा रिश्ते बनाए। जब पढ़ लिख जाओगी ना तो स्कूल के बच्चों के लिए पुल बनाना मत भूलना। नहीं बाबा, मैं पुल नहीं बनाऊंगी, मैं स्कूल को ही गांव में ले आऊंगी। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया अब सोच करो बुलंद। छोटे से किस्से बचपन के हिस्से, उन रिश्तों की यादें जो दूर हैं अपनों से, सारी बातों को
भर ले आते हैं, हर एक जज्बात को मंजिल दे जाते हैं। ले आते हैं जज्बातों को, ले आते हैं, ले आते हैं जज्बातों को, ले आते हैं। हर एक सपने की फिर उंगली पकड़ कर, आँखों में थोड़ी उम्मीदें भर करके, ले आते हैं जज्बातों को, ले आते हैं। At DTDC, our international and domestic reach is backed by latest technology to give you complete solution. So no matter what your emotions, they always reach their destination.